बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू फ्रिगेट एकेडमी। आज अरबी कोर्स का हमारा दूसरा सबक होगा दर्स सानी। दर्स सबक कहते हैं, सानी कहते हैं दूसरा, यानी सेकंड चैप्टर दर्स कहते हैं सबक को। पीछे हमने पढ़ा कि दर्स अवल में हमने पढ़ा था इल्म नाफ क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि इस फेल और हर्फ को मिलाना और आखिरी कलमे के नीचे या ऊपर हरकत मालूम करना। तो ये जो तीन चीजें हमने पढ़े थे उसमें सबसे पहली चीज आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जो इसके लोगवी मानी निशानी या बुलंदी के हैं, और इस्तेलाह में इससे मुराद वो लफ्ज है जो अपना मानी जाहिर करने में किसी जमाने यानी हाल माजी और मुस्तकबिल का मोहताज ना हो, यानी कोई भी जमाना उसके साथ मिला हुआ ना हो। जैसे हदीकतुन बाग या बगीचा, खुब्जुन रोटी, नजम सितारा। इसमें आपने देखा कि ना इसका ताल्लुक किसी जमाने से है, ना हाल से है, ना माजी से है, ना मुस्तकबिल से है। जिस जमाने में होगा हदीका हदीका रहेगा, खुब्जुन खुब्ज रहेगा, नाजमन नाजमन रहेगा। अभी हम इसमें फर्दर देखते हैं कि एक तो हमारे पास निशानी ये है कि उसमें जमाने का ताल्लुक नहीं है इस्म के अंदर। इसके अलावा और मुख्तलिफ अलामात हैं जिनसे हम इस्म को पहचानते हैं। तो इस्म के अलामात कौन कौन सी हैं? तकरीबन यहाँ 10 अलामात दी गई हैं जिनसे पता चलता है कि ये इस्म है। नंबर वन क्या है? जब किसी कलमा के शुरू में अलिफ लाम आ जाए, यानी अलिफ और लाम, जब किसी कलमा के शुरू में अलिफ लाम आ जाए, जैसे अल किताब अल कुरान, जब ये दो सिम्टम्स हों, साइंस हों, तो हम इसको पहचानेंगे कि ये इस्म का इस्म है। दूसरा पॉइंट क्या है? जब किसी कलमा के शुरू में रूफ जारा में से कोई हर्फ आ जाए, जैसे खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीम, इसके अंदर अला जो है ये रूफ जारा में से है। तो जब अला रूफ जारा में से है तो इसके नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा कलमा है। इसमें कुलूब और समीम ये दोनों क्या कहलाएंगे? इस्म कहलाएंगे। इसके अंदर तीसरा पॉइंट क्या है? जब किसी कलमे के आखिर में तनवीन आ जाए, जैसे वाला हूँ अजाबुन अलीम, इसमें अजाबुन और अलीम जो है वो इस्म कहलाएंगे। इसमें तनवीन होती क्या है? तनवीन जो है, तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश, ये तनवीन कहलाती है। तो जो चौथा पॉइंट है, जब कोई कलमा मुजाफ बन रहा हो, जैसे इस कालत इमरातु इमराना, मैं इमरातु इमराना, इमरान की बीवी, इसमें अजाफा हो रहा है, ठीक है, मुजाफ अजाफे से है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई कलमा तस्निया या जमा हो, जैसे आपने एक देखा कलम कलम एक कलम, इसकी तस्निया क्या होगी? कलमानी, और जमा क्या होगी? अकलामन। तो एक निशानी ये भी है कि जब वो तस्निया या जम हो। इसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि फेल कभी भी तस्निया या जमा नहीं होता। फेल देखें, फाला फाला फालानी, तो इसमें फेल को हमेशा इस्म के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है, बताते खुद फेल कोई तस्निया या जमा नहीं है, क्योंकि दो काम नहीं होते, दो या ज्यादा काम नहीं होते, काम करने वाले दो या ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, जब किसी कलमा के आखिर में याए निस्बती हो, या जैसे मकियुन और पाकिस्तानियुन, यानी वो किसका साथ ताल्लुक है, मक्का से है या पाकिस्तान से है। क्योंकि अरबी के अंदर पे नहीं होती इसलिए बा लिखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो कलमा मुसग्गर हो, जैसे कुरैशन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है?
मौसूफ हो, ऐसा कलमा जो मौसूफ हो यानी जिसकी सिफ्त बयान की जाए। तो जैसे कलमुन जमीलुन, कलमुन जमीलुन खूबसूरत कलम। अभी कलम है, कलम की सिफत क्या है कि वो खूबसूरत है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी कलम के आखिर में तानीस की अलामत हो। तानीस की अलामत कौन सी? गोता, जिसको ताए मरबूता भी कहते हैं, जैसे शाजरातुन वगैरह। अभी तानीस क्या होती है? जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत पाई जाए उसको तानीस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, जब कोई कलमा मसनद इलैह हो, जैसे अल-गुरफतु वासिया, कमरा वसी है। अभी इसमें मसनद इलैह यानी जिसकी तरफ सनद की जाए, जिस किसी तरफ सनद की जाए उसको मसनद इलैह कहते हैं। तो ये हमारे पास 10 ऐसे पॉइंट हैं, 10 ऐसी अलामत हैं जिनको हम जमाने के अलावा इस ढांचे में, इस सांचे में डालेंगे तो हम इससे ये साबित कर सकते हैं कि ये इसमें या नहीं है।